दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं Vivo U23 Pro की अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये फ़ोन बहुत ही कमाल और दमदार होने वाला है, तो वीडियो एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं काम की बातें। दोस्तों, बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हमें फ़ोन देखने को मिलता है, और चलिए इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में, और फिर उसी के नीचे एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर दिया गया है, यूज़र मैनुअल है और साथ ही में कुछ स्टिकर्स भी हैं, और एक USB टाइप सी डेटा केबल और ईयरफोन्स हैं, जो कि वीवो वालों ने बहुत ही अच्छा काम किया है ईयरफोन्स देके, और एक सिम इजेक्टर पिन USB टाइप सी टू 3.5mm डोंगल दिया गया है। इसका मतलब कि इसमें जो है 3.5mm जैक फ़ोन में नहीं दिया गया है, और साथ ही में एक 44W का फास्ट चार्जर है। तो चलिए रखते हैं सारी चीज़ें साइड में और बात करते हैं फ़ोन के फीचर्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हटाते हैं इसकी प्लास्टिक और स्टिकर्स को, और ये पीछे वीवो की ब्रांडिंग दी गई है और ये मैट फिनिश के साथ आता है। दोस्तों, इसका इनहैंड फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, और वीवो इसे फ्लोराइड एजी ग्लास बोलता है। अगर सिंपल भाषा में बात की जाए तो ये इसका डिज़ाइन जो है बैक साइड का, ये अलग अलग एंगल पर अलग अलग तरीके का कलर रिफ्लेक्ट करता है। पोर्ट्स और बटन की अगर बात की जाए तो फ़ोन के राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और पावर ऑन ऑफ बटन दिया गया है। लेफ्ट साइड पूरा क्लीन है, और नीचे के साइड में स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन, सिम ट्रे दी गई है। ये डुअल सिम ट्रे है, इसमें आप मेमोरी कार्ड का यूज़ नहीं कर सकते, और ऊपर के साइड में एक सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है। शुरुआत की जाए अगर डिस्प्ले से, तो इसमें 6.56 इंच की फुल HD प्लस अमोल्ड डिस्प्ले दी गई है, और ये एक कर्व डिस्प्ले और नॉच के साथ आती है, मगर ये आईफोन्स वालों की नॉच से थोड़ी छोटी नॉच है। और साथ ही में 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट है, और उसी के साथ HDR10 भी देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी डिस्प्ले में ही दिया गया है, और ये काफ़ी ब्राइट और कलरफुल डिस्प्ले है। और अगर कैमरे की बात की जाए तो इसमें 50MP का फ्रंट कैमरा, और साथ ही में 8MP का अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है। इसमें फ्रंट साइड में डुअल फ्लैश दी गई हैं, जिससे आप रात में भी बहुत ही स्मूथ लेवल की सेल्फी ले पाएंगे। फ़ोन के बैक साइड में 3 कैमरे दिए गए हैं। पहला कैमरा 108MP का है, जो कि मेन कैमरा है, और दूसरा कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड, और तीसरा कैमरा 2MP का माइक्रो लेंस है। और ये कैमरे के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। इसमें काफ़ी सारे फिल्टर्स भी दिए गए हैं, और इसके कुछ कैमरा सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसमें MediaTek Dimensity 1200 प्रोसेसर लगा हुआ है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, और ये 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। इसमें आप डेली यूजर्स के साथ साथ काफ़ी अच्छी लेवल की गेमिंग का भी मज़ा ले पाएंगे। और ये वेरिएंट 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसमें LPDDR4X रैम का यूज़ किया गया है, और आप ज़रूरत के हिसाब से इसमें वर्चुअल रैम का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप 4GB तक की रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। और स्टोरेज UFS 3.1 मिलती है, जिसमें 24GB स्टोरेज पहले ही सिस्टम यूज़ में है। दोस्तों, इसमें 4300mAh की बैटरी दी गई है, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्लिम और काफ़ी लाइट वेट भी है, और इसके 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट का प्राइस है 38,990। दोस्तों, अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो इसका डिज़ाइन, डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर सब कुछ ज़बरदस्त दिया गया है। मेरी ओपिनियन से अगर इसमें सिंगल स्पीकर की बजाय डुअल स्पीकर होते और बैटरीज की थोड़ी और बढ़ा दी गई होती तो ये और भी ज़बरदस्त हो जाता। और बाकी दोस्तों, कमेंट करके आप लोग बताइए कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा। और बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।